शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल पड़ी है दृष्टियों को लेकर। मैंने सूर्यदेव के बारे में आपको पिछले दो दिनों में विस्तृत रूप से जानकारी दी और आपने समझा कि सूरज देवता अगर योग कारक ग्रह बनकर के लग्न भाव में बैठे हों और सारे भावों के अलग अलग प्लेसमेंट में होने से वो कहाँ कहाँ दूसरी दृष्टि डालकर अपनी जो एक ही उनकी दृष्टि होती है सातवीं, वो उस पर असर देते हैं। जिस भाव में ग्रह बैठा हो वहाँ तो वो असर देता ही है, लेकिन अपने से सातवें घर को हर ग्रह पूर्ण असर डालता है। अपने से सातवें ग्रह पर उसका पूर्ण असर होता है। अब ये आपकी कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है। अगर ग्रह कुंडली में योग कारक बन के बैठा होगा तो कुंडली में हमेशा जहाँ बैठा है वहाँ भी अच्छा करेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर कुंडली में वही ग्रह अयोग कारक होकर बैठा है, यानी फंक्शनल मैलिफिक होकर बैठा है, बुरे भाव का स्वामी होकर के बैठा है, नीच अवस्था का बैठा है, तो यही ग्रह जिस भाव में बैठा है उसको भी खराब करेगा और जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी यानी रिफ्लेक्शन जिस ग्रह की पड़ेंगी वहाँ भी वो खराब करेगा। तो आइए आज बात करते हैं उससे आगे चंद्रमा देवता की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता की भी बिल्कुल सूरज देव की भांति एक ही दृष्टि होती है। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ उस भाव का पूर्ण असर तो रखते ही हैं या उस भाव के पूर्ण अच्छे या बुरे रिजल्ट्स तो देते ही हैं, लेकिन जिस भाव पर उनकी दृष्टि होती है उस भाव संबंधी भी वो अच्छे या बुरे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, कुंडली की मदद से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए चंद्रमा देवता लग्न भाव में पड़े हैं सूरज देवता की ही भांति। चंद्रमा देवता अगर लग्न भाव में पड़े हैं तो ये आप पहली बात तो ये कुंडली मत समझिएगा, ये मैंने हाउसेस के हिसाब से आपको आसानी से समझ आ जाए लिखा है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा हो सकता है आपकी कुंडली में लग्न भाव में कोई और नंबर लिखा हो। लेकिन अगर चंद्रमा देवता योग कारक बन करके लग्न भाव में विराजमान है तो जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में चंद्रमा देवता सक्षम होंगे। पर्सनैलिटी को प्लीजिंग करना, खूबसूरती देना, अच्छा करना, बिहेवियर को सॉफ्ट स्पोकन वाला बिहेवियर कर देना, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को चंद्रमा योग कारक ग्रह बनकर लग्न में बैठने से अवश्य देंगे। और यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली, सातवें भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा पत्नी खूबसूरत देगी, यहाँ तक के पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, डेली वेजेस के भी नित नवे रस्ते चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में आपको खुलते ही मिलेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत भी एक स्थिति होती है प्रिय दर्शकों, जिसकी जानकारी देना मैं आपको अति आवश्यक समझता हूँ। अगर चंद्रमा देवता कुंडली के अयोग कारक बन करके लग्न भाव में बैठे हुए तो चंद्रमा देवता पर्सनैलिटी को इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बनाएंगे, मेंटली पीस डिस्टर्ब करेंगे। चंद्रमा देवता यहाँ पर लग्न संबंधी, हेल्थ संबंधी, जल संबंधी, पेट संबंधी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। जल संबंधी प्रॉब्लम देना अगर मारक ग्रह बनकर लग्न भाव में बैठे हों तो एक आम सी बात हो जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मारक ग्रह बनकर लग्न भाव में विराजमान हैं तो लग्न भाव संबंधी तो सारे अशुभता के फल देंगे ही, जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डालेंगे सातवें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा देवता योग कारक बन के बैठे हों, यहाँ ये मत समझने की भूल कीजिएगा कि दूसरे भाव में वो उचके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वृषभ राशि है। ये बात सही है कि वृषभ राशि में उचके हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ भाव के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अगर दूसरे भाव में वो कुंडली के योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट वो आपको अवश्य देंगे। परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा और साथ ही साथ जातक के लिए ऐसी मीठी वाणी बोलने की उसे आदत बन जाती है, जातक सामने वाले पर क्रोधित कभी जल्दी होता ही नहीं, तो चंद्रमा देवता उसे लाभान्वित करते हैं अगर योग कारक बन के दूसरे भाव में बैठे हुए। यहाँ से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो
तो ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस को दूर करना, ऐसी सारी स्थितियाँ जातक के लिए पॉजिटिव करते मिलेंगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रियदर्शकों, अगर दूसरे भाव में यही चंद्रमा देवता मारक ग्रह बनकर बैठे हों, मारक ग्रह बनकर बैठने से परिवार साथ नहीं देगा, धन का होता होता आगमन भी रुक जाएगा और जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। यहाँ से मारक ग्रह बनकर चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, ऐसी सारी स्थितियाँ नेगेटिव जातक के लिए क्रिएट करता बने मिलेंगे चंद्रमा देवता, क्योंकि दूसरे भाव में मारक होकर बैठे हैं तो दूसरे भाव संबंधी भी मारक रिजल्ट और अष्टम भाव संबंधी भी मारक केतु के ही रिजल्ट देंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो, तीसरे भाव में विराजमान होने से योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो जातक की मेहनत बढ़ाएंगे, भागदौड़ बढ़ाएंगे, हार्डवर्क बढ़ाएंगे, बाहुबल पराक्रम बढ़ाएंगे, जिसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा अच्छा कोई भी जना नहीं समझता है। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता की जातक जरूर केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, छोटी मोटी विदेश यात्रा करके भी लाभान्वित होता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता मारक ग्रह बन करके तीसरे भाव में विराजमान हुए तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश, बाहुबल का अननेसेसरी व्यर्थ ही लड़ाई झगड़े में गंवाना, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं करना और यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली पिता से भी मनमुटाव होना, पिता की केयर ना करना, विदेश यात्रा होना तो लाभान्वित ना होना और नवम भाव संबंधी प्रभु पर पूर्ण आस्था ना रखना, ऐसे नेगेटिव रिजल्ट ही चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलेंगे। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी सी समझने की है कि अगर कुंडली में वो योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं तो जहाँ बैठेंगे उस घर को तो लाभान्वित करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे अपने से सातवीं उस घर को भी लाभान्वित करेंगे। और सूरज देवता की भांति चंद्रमा देवता की भी सिर्फ एक दृष्टि है, वो अपने से सातवें भाव पर पूर्ण असर डालते हैं। मान लीजिए लग्न भाव में चंद्रमा देवता पड़े हों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें भाव पर अपने पूरी दृष्टि डालेंगे और ये पहले भाव या पहला नंबर या पहले नंबर को काउंट करना उसी भाव से है जिसमें ग्रह पड़ा हो। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इससे अगले भाव से कैलकुलेट करने की गलती मत कीजिएगा, जहाँ पर ग्रह बैठा है वहाँ से एक नंबर गिनना शुरू कर दीजिए, उससे सातवें भाव पर इसका पूर्ण असर हमेशा होता है। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह होकर चौथे भाव में विराजमान हुए हैं तो माता से बहुत लगाव होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने वाली हुई तो जातक को बहुत ज़्यादा उसमें लाभ होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में सदैव सहायता करते मिलेंगे, जातक माता की बहुत केयर करने वाला होता है, सुनने वाला होता है, मानने वाला होता है। यहाँ से योग कारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इम्प्रूवमेंट, कामकाज में इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन होने का योग होना, ऐसी सारी स्थितियाँ चंद्रमा देवता दशम भाव संबंधी पॉजिटिव हमें अवश्य देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मारक ग्रह बन करके चौथे भाव में, यहाँ ओन साइन के मत समझ लीजिएगा, मैं भाव की बात कर रहा हूँ, चौथे भाव में बैठे हुए तो चौथे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को देंगे। माता से मनमुटाव होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कभी नहीं ले पाता, क्योंकि मारक ग्रह बन के चौथे भाव में बैठे हैं, यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में कामकाज सदैव ऑब्स्टेकल्स में ही रहता है, चलता चलता काम रुक जाता है, सर्कल कम होने का योग बनता है, अननेसेसरी लॉस तक होने का योग चंद्रमा देवता बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर योग कारक हुए तो चौथे भाव संबंधी भी एडवांटेज, दशम भाव संबंधी भी एडवांटेज, अगर मारक ग्रह बन के बैठे हुए तो चौथे भाव संबंधी भी डिसएडवांटेज और दशम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो माइंड, मेमोरी, विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लवर मास में कामयाबी होगी और अनसर्टेन गेंस होने का योग भी बनता है। यहाँ से जितनी दृष्टि चंद्रमा देवता ने ग्यारहवें भाव पर डाली
तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि चंद्रमा देवता की सदैव 11वें भाव संबंधी भी हमें पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। बड़े भाई बहन की सपोर्ट, धन का आगमन होना, इच्छा पूर्ति करने में सहायक, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी चली जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मारक ग्रह बन करके पंचम भाव में विराजमान होने से पंचम भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देते मिलेंगे। पंचम भाव में मारक ग्रह होकर के बैठने से पंचम भाव संबंधी तो अशुभता के रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन का आगमन भी रोकेंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश भी मचवाएंगे, मेंटली पीस भी डिस्टर्ब करेंगे, और जातक इच्छा पूर्ति करने के पीछे भागता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि मारक ग्रह। और प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता छठे भाव में विराजमान होंगे, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के आपको अच्छा फल देने में सक्षम हुए, तो हमेशा रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से जातक बड़ी जल्दी ओवरकम कर लेता है और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी सक्सेस गेन करके तरक्की कर लेता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव में विदेश का सेटलमेंट होना, विदेशों से लाभ होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होने, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना होकर चंद्रमा देवता छठे भाव में पड़े हुए अयोग कारक बन के या मारक ग्रह बन के बैठे हुए, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में वृद्धि करेंगे, जातक जल्दी सेटल हो ही नहीं पाता, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्बेंसेस की चलती ही रहती है। और यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली चंद्रमा देवता ने, फजूल के व्यय होना, अस्पताल का खर्चा होना, जेल यात्रा होना, पागलखाने का खर्चा होना, ऐसी सारी अशुभता की नेगेटिव स्थितियाँ जातक के लिए चंद्रमा देवता क्रिएट करते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर छठे भाव में बैठे हैं तो अच्छा फल छठे भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी दृष्टि डालकर देंगे। अगर छठे भाव में वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आकर बैठे हुए हैं तो हमेशा छठे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही और 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही जातक को अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको देंगे। हमेशा प्रिय दर्शकों, ग्रह का विवेचन करते समय ये याद रखिए कि डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है। और किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली का एपिसोड देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली का एपिसोड अपलोड कर दिया जाए। और प्रिय दर्शकों, आपको जानकारी देता हुआ बता दूँ कि हमारी एडमिशन शुरू हो चुकी है, जो भी जातक सीखने के इच्छुक हों वो एडमिशन का लाभ ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। We'll be right back.